तो दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही आसानी से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है अगर ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन जैसे ही आप टाइप करेंगे, देख सकते हैं वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है, आपको इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप का लोगो इस तरीके से शो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा। अगर पहले से आपने यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो यहाँ पर न्यू यूज़र का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर नंबर पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद आपको अपना नाम इंटर करना है, पासवर्ड बनाना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो वोटर आईडी कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है अगर आप उसे जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड एपिक का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको जो सबसे टॉप में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस आई हैव एपिक नंबर, आपको इसी ऑप्शन पे पहले नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में अपना जो भी स्टेट होगा अपना स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे फेस डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस फेस डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फेस डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका डिटेल्स है, इस तरीके से आपका नाम, आपका फादर नेम और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मेरा मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर शो हो चुका है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आपके आधार यानी आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उसके अंदर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस तरीके से आसानी से आप पता कर सकते हैं।